यार सब्सक्राइब करो ना ऑल राइट को। यार शमशुद्दीन मैंने तुम्हें क्या बोला था? भैया आपने बोला था यू विल मेक उबला हुआ स्पेगेटी पीला शिमला मिर्च का तड़का मार के, और ये तुम लाए हो पीला टमाटर। क्या करूं उसको मैं, कहां डालूं अभी पीला टमाटर में? और जुकीनी किधर है? भैया मंडी में बहुत ढूंढे जुकीनी, पर हमको कोई तोरी दे रहा था तो कोई घिया, पर हमको एक भला मानुस मिला, उसने हमको कहा खीरा लेकर देखिए। भैया हमने खीरा लिया तो हमको मजा आने लगा, तो हम खीरा लेते रहे और उस चक्कर में जुकीनी भूल गए। भैया यार आज के दिन स्पेशली मैंने तुम्हें बोला था कि ये धनिया पुदीना अदरक लहसुन साग बथुआ वाला कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओए कदाकी, अरे गातो गुसामास वतशिवा तदिशा देस वंशाओ। अरे 300 रुपए कैश है क्या आनंद? क्या 300 रुपए? तुम संडे के दिन ऐसे रेडी होगी क्यों बैठी हो? अरे मेरी कल मीटिंग है, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने इतनी मेहनत की पीपीटी पे, जापानीज सीखी, बादाम से सुंदर ब्लेजर ऑर्डर किया, सोच के कि पहले इंप्रेशन में ना मिस्टर योशिमित्सु को झुका दूंगी, पर मेरी जापानीज ही नहीं निकल रही, मैं क्या करूंगी? बेब तुम्हें पता है शमशुद्दीन बाहर ना ऑलिव से जगह हरे अंगूर लेके आ गया है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। यू हैव एनी आईडिया कि हाउ स्ट्रेस एम आई? अंगूर वर्सेस जापानीज, और वैसे भी जापानी लोग ना किसी बात पे झुक जाते हैं, उसके लिए जापानीज क्या सीखनी है? Cooking makes you a multitasker and efficient. Aroma of your favorite food will always make you calm. Anand bhaiya, please hamara hisab na kariye. Aap nahi rahenge na to hamare mohalle mein wo pitching ki aadat phir pad jayegi. Anand bhaiya, I love you 3000 kilo. Are itna gussa kyun kar rahe ho Anand? Bhaiya aapko jo lane ko bola tha kal le aana. Koi tension nahi hai, relax karo. आज खाना मैं बनाऊंगी। बेबी यहाँ पे दो लोग एक सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, तुमको उसके बीच में जोक मारना है? खाना तुम बनाओगी? वाओ। हाँ ये पकड़ो पहली बात तो, और दूसरी बात इधर देख लो यार मैं बात कर रहा हूँ। Did you just say me cooking food is like joke to you? अरे बेबी तनीशा, बेबी तनीशा, बेबी मेरा वो मतलब नहीं था। लाइटर कहाँ है? अरे ये ऑटोमेटिक है, इसमें लाइटर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, और तुमने ये मुझे बताना जरूरी नहीं समझा है ना? कितनी बातें छुपा के रखी मुझसे, और छुपाना क्यों, ये हमेशा से ऑटोमेटिक है। आनंद मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी माँ ने हमारी शादी एक साल इसलिए रुकाई थी ना क्योंकि मेरी रोटियाँ गोल नहीं बनती थी? बेबी गोल रोटियां बनाना बहुत मुश्किल काम है, सबसे नहीं हो पाता, मेरी सास और मेरी साली अभी तक नहीं। वाओ, मेरी माँ और मेरी बहन को गोल रोटियां बनाना नहीं आता, इसलिए मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे तो कुछ करना ही नहीं आता ना। मैं क्या बोलता हूँ, गोल रोटी बनाने का तरीका बताया था ना तुम्हें, ऐसे बेल के ऊपर कटोरा रख के साइड से चप 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 काट देते तो गोल हो जाती है। तुम चीटिंग नहीं कर पाई तो मेरी गलती है क्या इसमें? शाप है, शाप है। यू नो व्हाट आनंद, गेट आउट ऑफ द किचन। दैट्स माय किचन। Yeah, बहुत उछलते हो तुम अपने खाने पे। Call your mom. Mom? Yes, call your mom for breakfast. और आज खाना मैं बनाऊंगी। And I'll show you कि मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से दोनों से ज्यादा अच्छा खाना बना सकती हूँ। निकलो, out. शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। Get out. से मैं बोल तो दिया, अब सॉरी बोलूंगी तो सारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी चली जाएगी। थोड़ी चीटिंग ही कर लेती हूँ, कुछ वीडियो देख के बना लूँ। इट्स नॉट पिज्जा, इट्स पिज्जा। दोस्तों आज हम सीखेंगे पिज्जा बनाना। ये तो आंटी खाएंगी। चाइना से आया मेरा दोस्त, दोस्त को नी हाओ करो। दोस्तों मैं हूँ आनंद और आज आप मुझे देखेंगे चाउमीन बनाते हुए। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंच बोलता हूँ सबको यही समझ में आता है चुम्मा, लेकिन आज हम चुम्मा नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे क्रोसों। जी हाँ, इसको ये भी आता है। अरे इंडियन खाने की वीडियो नहीं डाली मैंने अभी तक, आप देख ही रहे हो तो लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर देना। अच्छा यहाँ आके कर दो लो तुम्हारा कमेंट। ये क्या लिखा है? मम्मी तुअर की दाल मसूर की दाल, फर्क कैसे पता चलेगा? माँ ने इसे राजमा चावल बनाना नहीं सिखा। अरे ऐसे कैसे नहीं सिखा, राजमा चावल बनाना आता है, मैं राजमा चावल बनाना। मम्मी हरी चटनी में धनिया डलेगा या पुदीना दोनों डाल सकते हैं? अरे वो मेरे अगले वीडियो का सामान है यार, मैं बस 5 मिनट हंस करके वापस बाहर आ जाऊंगा।
मम्मी एक ग्लास पानी होता है ना, एक ग्लास चावल थोड़ी ना होता है, कुछ भी बोल रहे हो। अंदर चने की दाल रखी है बेवकूफ। ये रेक्टेंगुलर छेद वाली कर्ची डिजाइन के लिए इसका कुछ काम भी है। मैं बेसन डालना है, हल्दी नहीं डालनी। हाँ, और इसमें ऐसे कटोरी वाली कर्ची भी है। मेरा इतना किचन खराब हो गया। भैया जल्दी खोल दो यार। साहब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं ये सोसाइटी छोड़ के चला जाऊंगा। रोज किसी ना किसी की बीवी अपने पति को बाहर निकाल देती है साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बोल रहा हूँ होली टाइम पे जब आओगे ना, मासूम शक्कर बना के 500 एक्स्ट्रा लेना। अभी मुंह मत चलाओ, हाथ चलाओ जल्दी। हाय, बन गया खाना? यार किचन थोड़ा सा गंदा हो गया, बट स्मेल अच्छी आ रही है। कहाँ अवन में? कुछ बना ही नहीं मुझसे। यार मॉम तो आ रही होगी किसी भी टाइम। खाना नहीं बना पा रही, बिजनेस कैसे बढ़ाऊंगी? प्लीज तुम अपनी मॉम को मना कर दो ना, प्लीज। आ गई। सर ये स्पेगेटी विद येलो बेल पेपर। हैव अ गुड डे। थैंक यू मम्मी। अरे आनंद, पता है मुझे थोड़ा तो बुरा लगा जब तुमने बोला कि तुम मेरे और मॉम से ज्यादा बेटर खाना बना लोगे, वो भी कंबाइंड। बट इट्स ओके, क्योंकि गुस्से में तुम कुछ भी बोल जाते हो। आज ना मैं खुद तुम्हारे लिए कुछ कुक करने वाला था, बट कोई नहीं, आज दूसरे शेफ का खा लेते हैं। अच्छा हाँ, बाय द वे मॉम नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें कॉल ही नहीं किया। आई नो, आई एम द बेस्ट। ओह बाय द वे, दिस इज फॉर यू। For me? Yes. मैंने सोचा था ये तुम्हारे वो कौन है, योशी मित्सी जी, उनका डील जब क्रैक हो जाता तब मैं देता, but I think you deserve this. आनंद, thanks a lot, but I don't think I deserve this. किचन ही तो गंदा किया है, गिफ्ट तो दे ही सकता हूँ। No. I don't deserve this because I'm not a good businesswoman. और ये किसने बोल दिया आपसे? I read this article online जिसमें लिखा था a good business person can multitask efficiently even things like cooking which I clearly can't, so neither I'm a good business person nor I can cook, I'm a disaster. Sorry. मतलब एक worthless से आर्टिकल में तुम अपना वर्ड डिसाइड करोगे? तुम्हें याद है कॉलेज के टाइम पे जब बाकी सारी लड़कियां मुझ जैसे मल्टी टैलेंटेड और हैंडसम हंक को प्रपोज करने में बिजी थी ना, उस टाइम तुम बाकी कंपनीज को अपने आइडियाज प्रपोज कर रही थी। आनंद वो बहुत पुरानी डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे चाचा जी का भट्टा बैठ गया होता अगर तुमने उन्हें नहीं बताया होता कि ये सारा मैटर सॉर्ट कैसे करते हैं। चाचा जी तो यार ठीक है, आई एक्सेप्टेड कि कुकिंग इज टफ, बट ट्रस्ट मी बिजनेस इज नॉट एट ऑल इजी। एंड मैंने तुम्हें देखा है, तुम कितना पैशनेटली काम करते हो यार और कितनी ज्यादा मेहनत करते हो, एंड फॉर मी यू आर वन हेल ऑफ अ बिजनेस वूमन यार। सो माय बेटर हाफ, यू आर एक्चुअली बेटर देन मी, है ना? सो चीयर अप, अभी खाना खत्म करना है। आई एम रियली सॉरी आनंद, मैंने तुम्हारी पूरी किचन खराब कर दी। इट्स ओके, आई लव यू। एंड I know, तुम अपनी पूरी किचन फिर से वैसे ही कर लोगे, है ना? My dear salt bae, अभी किचन ना खाना खा के हम दोनों साफ करेंगे, क्योंकि we are partners, right? मैं कैसे साफ कर? जैसे मैं करूँगा, मुझे देख के कॉपी करना है। तो गाइस कैसी लगी हमारी ये वाली वीडियो हमें बताओ, और पसंद आने पे लाइक और शेयर करो, बहुत ज्यादा पसंद आ गई तो कमेंट भी कर दो, हमें घर पे खाने में बुला सकते हो। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मैडम हु बिलीव दैट एवरी वुमन इज स्पेशल एंड एम्पावर्ड इन देयर ओन वे, सो लेट्स सेलिब्रेट वुमन ऑन दिस वुमेन्स डे विद मैडम एंड लेट अस नो योर एम्पावरिंग स्टोरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
Yes. And don't forget to subscribe to All Right and be All Right.